नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में कोरोना संक्रमण के वजह से बहुत सारी चीजें थम गई थी। कई परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे सभी चीजें वापस पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के लिए सेंटअप परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है, डेट शीट भी जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको सेंटअप परीक्षा की डेट शीट के विषय में बताने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2021 की सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 14 से 21 अक्टूबर हर दिन दो पाली में ली जाएगी, यानी कि 14 से 21 अक्टूबर के बीच में परीक्षाएं लगातार होंगी बिना किसी गैप के, और दो पालियों में दो शिफ्ट्स में परीक्षा होने वाली है। पहली बार ऐसा होगा जब बिहार बोर्ड सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। प्रश्न पत्र के लिए विद्यार्थियों को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो छात्र सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में शामिल होंगे। सेंटअप परीक्षा में प्रश्न पत्र का पैटर्न पूरी तरह से वार्षिक परीक्षा के तरह ही होगा। इससे छात्रों को प्रश्नों के पैटर्न की भी जानकारी मिल जाएगी। पहली पाली यानी कि पहले शिफ्ट की परीक्षा 9:30 से 12:45 तक होगी, और दूसरी पाली यानी कि दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 1:45 से लेकर 5 तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का निर्देश दिया है। कक्षा को सैनिटाइज किया जाना है, मास्क लगाकर ही छात्रों को परीक्षा में शामिल होना है। डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है बिहार बोर्ड की तरफ से। आपको पहले ही पता है कि 14 से 21 अक्टूबर के बीच परीक्षा होगी पहली पाली, और दूसरी पाली में परीक्षा होगी। 14 अक्टूबर के दिन पहले पाली की परीक्षा में भौतिकी यानी कि फिजिक्स, अकाउंटेंसी और सोशियोलॉजी की परीक्षा होगी, और 14 अक्टूबर को ही दूसरे शिफ्ट में गणित और हिंदी की परीक्षा होगी। फिर अगर बात 15 अक्टूबर को कर ले तो पहले पाली में बायोलॉजी, BST और राजनीतिक शास्त्र की परीक्षाएं होंगी, और दूसरे पाली में भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी वोकेशनल की परीक्षा होगी। 16 अक्टूबर की बात करें तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की परीक्षा होगी, एंटरप्रेन्योरशिप और दर्शन शास्त्र की भी परीक्षा पहले पाली में होगी। दूसरे पाली में इतिहास और ट्रेड पेपर की परीक्षा होगी। 17 अक्टूबर की बात करें तो विज्ञान, कला और वाणिज्य जितने भी संकाय के छात्र हैं उनकी परीक्षा, अंग्रेजी विषय की परीक्षा पहले पाली में होगी, और कला यानी कि आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी दूसरे पाली में, और ट्रेड पेपर की भी परीक्षा होगी। 19 अक्टूबर की बात करें तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के सभी विद्यार्थियों के हिंदी विषय की परीक्षा पहले पाली में होगी, और दूसरे पाली में भारतीय भाषा की परीक्षा होगी जिसमें विज्ञान, कला और वाणिज्य यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों डिपार्टमेंट्स के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। 20 अक्टूबर की बात करें तो कृषि, गृह विज्ञान की परीक्षा होगी, यानी कि कृषि और गृह विज्ञान की परीक्षा पहले पाली में होगी, और 20 अक्टूबर को दूसरे पाली में साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और फाउंडेशन की परीक्षा होगी। 21 अक्टूबर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की परीक्षा पहले पाली में होगी, और दूसरे पाली में म्यूजिक और अतिरिक्त विषय जो भी एक्स्ट्रा विषय रखा गया है उसकी परीक्षा होगी। आपको बता दें कि सभी स्कूलों को सेंटअप परीक्षा में उपस्थित और अनुपस्थिति के साथ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की सूची बोर्ड को भेजनी है। यह सूची सॉफ्ट के साथ हार्ड कॉपी में भी भेजनी होगी। सूची में छात्र का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, संकाय यानी कि डिपार्टमेंट और छात्र को आए अंक की जानकारी देनी होगी। तो बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के लिए सेंटअप परीक्षा की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। 14 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में ये सभी परीक्षाएं होंगी, दो पालियों में एग्जाम होने वाले हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मदद मिलेगी कि आपका जो डेट शीट है या फिर आपकी जो परीक्षा की तारीख है विषय के हिसाब से किस किस दिन पड़ रही है। आप लाइव सिटीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।